Welcome, ladies and gentlemen, to the story of Arachi, an ancient epic. No commentary involved. Bhai, tum kahan the? त्रिशूल को पकड़ने के लिए भगवान होना जरूरी है। रास्ते पर कोई कर्तव्य दिखाने वाला नहीं। वो कौन है कर्तव्य दिखाने वाली? इसकी कोई औकात नहीं। इसने अपने भाई को खोया है। खत्म हो जाएगी। ये जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं होनी चाहिए। गोलू को एक बार खो चुकी है, वो उसे अब बचाने का कैसे सोच सकती है? तुमने मुझे पहले भी खो लिया था दीदी। तुम मुझे बचा सकती हो, मुझे दोबारा मत खो देना। समय नहीं है दीदी। दीदी मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत। राजी मेरी मदद क्या करो। तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रही हो? शायद तुम उतनी शक्तिशाली नहीं हो, शायद तुम मुझे नहीं बचा सकती। मुझे नहीं लगता कि तुम समय रहते मुझे ढूंढ पाओगे। मुझे पहले भी खो दिया था दीदी। दीदी मुझे दोबारा मत खो देना। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे बचा सकती हो। दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे मेरी बहन, तुमने मुझे पहले नहीं लगता कि तुम समय रहते मुझे ढूंढ पाओगे। मुझे दोबारा मत खो देना। रहस्यवादियों के सरदार ने उसे चेतावनी दी। उनका शत्रु महाबलासुर था, जाति से निकाला गया, अब तक का सबसे शक्तिशाली रहस्यवादी। जो पत्र उसने चुराया था उसमें देवों के स्वर्ग के द्वार को खोलने का मंत्र था। राजी ही थी जिसमें शक्ति थी उसे रोकने की, इससे पहले कि वो दुनिया को तोड़कर रख दे।
तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये बस थार के रेगिस्तान हो सकते हैं। मुझे दरवाजा कैसे मिलेगा? कहते हैं कि ये जगह कभी खत्म नहीं होती। वो तब भी ढूंढ लेगी और वो महाबलासुर का सामना करेगी और वो उससे जीत जाएगी। उसके पास बहुत से छल कपट है। मुझे लगता है कि उसकी साजिश इससे कई बड़ी है। राजी को संभल कर रहना होगा, लेकिन उसे तेजी भी दिखानी होगी। मिल गया, वो दूरी पर। यही है दरवाजा। मुझे भरोसा है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन रहस्यवादियों को इनके इरादे पता है। बेशक, वे रास्ते में ही मिलेंगे देवभूमि के द्वार। ये बहुत अजीब है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ या शायद नहीं। ये कौन सी जगह है? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बच्ची, इससे पहले कि तुम युद्ध में अपने शत्रु का सामना करो, युद्ध में मेरी महारत है और अब तुम भी इससे अनजान नहीं हो। काश मेरे शब्दों से तुम्हें मजबूती मिले, वे तुम्हारा कवच बने और तुम्हें शक्ति दे। जान लो कि मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि तुम्हारा दिल पहले से ही बहुत मजबूत है। कमजोर नहीं है, बस उम्मीद करते हैं कि ये काफी रहे।
जरूर सुदर्शन चक्र है। मुझ जैसा कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है। मेरे शत्रु जरूर इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने देवताओं को भी परेशान कर दिया है, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे महाबलासुर को रोकना होगा। वहाँ सच्ची शक्ति का तभी पता चलता है जब सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने कभी उसकी हिम्मत पर शक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समय पर आएगी। जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद भगवान विष्णु। उसने चक्र ऐसे पकड़ा है जैसे उसी के साथ पैदा हुई हो। चक्र उसे धारण करने वाले के दिल से जुड़ा होता है। अगर आपका दिल साफ है तो ये आपकी इच्छा को पूरा करता है। अगर आपका दिल साफ नहीं है तो ये आपको नष्ट कर देगा। आखिरकार राजी का सामना महाबलासुर से हुआ और उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। उसे वो सब याद करना होगा जो उसने शत्रु को हराने के लिए सीखा था। जानते हो मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ।
शत्रु ने संख्या में खुद को कई गुना बढ़ा लिया। हर तरफ महाबलासुर था। राजी सच्चाई देख नहीं सकी कि ये बस उसे भटकाने के लिए था। महाबलासुर राजी से बच निकला और दरवाजे पर खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन क्यों? और फिर किसी और ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गोलू, बहुत देर हो गई थी। हालांकि राजी तब भी लड़ी, लेकिन देवों के स्वर्ग के द्वार खुल चुके थे। महाबलासुर की चाल कामयाब हो गई थी और गोलू उसकी चाबी था। अब दुनिया पर क्या संकट आएगा?